الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون اس وجہ سے
हमने बनी इसराइल के ऊपर एक कानून बना दिया, एक लिख दिया और उनको बता दिया कि जो कोई शख्स भी किसी को कत्ल करेगा बगैर इस बात के कि वो बदले में कत्ल किया जा रहा हो औ फसाद इन फिल अर्ध, या फिर ज़मीन में फसाद फैलाने के लिए कत्ल करेगा, फकअन्नमा क़तला अन्नास जमीया, वो ऐसे ही है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा, और जिस किसी ने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई, फकअन्नमा अहया अन्नास जमीया, वो ऐसे ही है जैसे उसने सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचा ली। और यकीनन उनके पास हमारे रसूल आते रहे वाज़े और रोशन दलीलें लेकर, लेकिन फिर भी उनमें से अक्सरियत इसके बाद भी ज़मीन में ज़्यादती करने वाले थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह करीम ने हर इंसान को एक ख़ास फितरत पे, एक ख़ास स्टैंडर्ड पे पैदा किया है और उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके, उसी फितरत को सालिम और सलीम रख के, उसी को बचा के अगर कोई शख्स वापस अल्लाह के पास पहुंच जाए तो यही बड़ी कामयाबी। सूरह शुरा के अंदर फरमाया याउम ला यनफउ मालुम वला बनून, उस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे, वही दो चीज़ें जिसके लिए सारी ज़िंदगी इंसान खपा देता है, औलाद हों, औलाद नरीना हों, बेटे हों, या फिर माल कमाना है, सारी ज़िंदगी माल कमाने में लग जाती है। यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, उस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, सिवाय उस शख्स के, यानी कामयाब सिर्फ वो शख्स होगा जो अल्लाह के पास सालिम और सही दिल लेके आ। जिस तरह का सालिम और सलीम दिल अल्लाह ने बनाया था, कुल्लु मौलूदुन युलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो फितरत पे, उस स्टैंडर्ड पे पैदा होता है, चाहे वो किसी काफिर के घर पैदा हो, चाहे वो किसी मुसलमान के घर पैदा हो। बस उसके बाद उसके जो माँ बाप हैं या माहौल है या उसका जो ब्रॉट अप है वो उसको ख़राब करता है। उसके माँ बाप फा बाबा हो युहविदान ही और युनसरान ही और युमजसान ही, कोई उस माँ बाप यहूदी होते हैं तो बच्चे को यहूदी बना देते हैं, माँ बाप ईसाई होते हैं तो बच्चे को ईसाई बना देते हैं, माँ बाप मजूसी होते हैं तो बच्चे को वैसा बना देते हैं। गोया फितरत बिगड़ जाती है। फितरत जब बिगड़ती है तो फिर इंसान से ऐसे आमाल सरजद होते हैं जो इंसानी सतह के आमाल नहीं होते, बल्कि वो इंसानियत की सतह से गिरे हुए आमाल होते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है इसमें अल्लाह करीम ने कोई तसलसल कलाम का फुमाय मिन अजल जालिक, इसी वजह से, इन पिछली आयत के साथ इसका तसलसल, पिछली जो आयत चल रही हैं, जो वाकया बयान हो रहा है उसके साथ इसका एक सिलसिला कनेक्शन जुड़ा हुआ है। उस वजह से, वो वजह क्या थी उसकी तरफ आने से पहले मैं बात यह अर्ज कर लूं कि जो सलीमुल फितरत इंसान होते हैं, जो तकवे की राह पर गामजन होते हैं, जो अपनी फितरत को बिगाड़ से बचाने में कामयाब हो जाते हैं, उनके लिए अल्लाह ने एक ज़ाब्ता दिया। वो ज़ाब्ता वही है जो मैं पहले, बहुत सारी अहादीस, सारा कुरान उसी ज़ाब्ते की निशानदेही करता है, और मैंने एक हदीस गुज़श्ता से पैवस्ता जुमे के अंदर आपके सामने रखी थी, वो और वो वही ज़ाब्ता है जो तकवे का ज़ाब्ता। अब वो एक इज्तिमाई मुआशरा तश्कील पाता है। कैसा मुआशरा? ला तहासद, आपस में हसद ना करो, वला तबागज़ू, आपस वला तनाजशू, वला तबागज़ू, वला तदाबरू। कैसा मुआशरा? आपस में एक दूसरे से हसद ना करो।
एक दूसरे से बोगज ना रखो, कोई दिल की दुश्मनी ना रखो, एक दूसरे से रूगरदानी ना करो। वला तदाबरू वला तनाजशु, खाम खा जुबान की कांटों से एक दूसरे से नुकसान पहुंचे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करो, खास तौर पे माली मामलात। इसकी तशरीह तफसील हो चुकी। फिर फरमाया कि कोई शख्स जो है किसी अपने दोस्त के किए हुए सौदे के ऊपर, उसकी डील के ऊपर डील ना करे। वला ये बे बादुकुम अला बई बाद, किसी की डील के ऊपर कोई शख्स डील ना करे। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया कि अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, ये तो भाई भाई होते हैं, तो भाई भाई हैं तो एक दूसरे से खैरखाई के साथ मामला करें, मोहब्बत के साथ मामला करें, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ मामला करें। और जब भाई भाई के साथ होता है तो वो कभी उस पर जुल्म नहीं करता। भाई कैसा होता है, ला यज़लिमु, भाई कभी भाई के ऊपर जुल्म नहीं करता। वला यख़्ज़ुलु, और ना उसको कभी रुसवा करता है या अकेला छोड़ता है, उसको कभी तनहा नहीं छोड़ता, क्योंकि भाई है वो उसको नहीं छोड़ता। भाई होता है बिगड़ी हुई फितरत से बचा हुआ होता है तो वो ऐसा होता है। बिगड़ी हुई फितरत वाले भाई होते हैं तो वो हर तरह के होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी भाई मिले थे, हर तरह के भाई हो सकते हैं। जब फितरत बिगड़ जाए तो हालात खराब हो सकते हैं, मगर ना भाई जो होता है उसका जाब्ता ही है, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमु, उसको उसके अंदर ये खसूसियात होती, उसके ऊपर जुल्म नहीं करता, उसको तनहा नहीं छोड़ता, उसको रुसवा नहीं करता। वला यहक़िरुहु, उसकी तहकीर नहीं करता। फिर आपने फरमाया तकवा हा हुना, तकवा यहां होता है, होता दिल में है, जाहिर आमाल से होता है। और फिर आपने यानी तीन दफा सीना मुबारक की तरफ इशारा फरमाया। फिर आपने फरमाया बिहस्ब इम्रि मिन अश्शर अन यहक़िर अखाहुल मुस्लिम, किसी शख्स के बुरा होने के लिए यह काफी है, यानी उसके बुरा होने के लिए, वो आदमी बुरा आदमी है, उसके लिए काफी है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई की तहकीर करे। फिर आपने एक और ज़ाब्ता बताया कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान पर, उसकी तीन चीजें बुनियादी तौर पर हराम हैं, मालहू दमहू व इर्दहू, उसका माल हराम है, उसका खून हराम है, उसकी इज्जत हराम। लिहाजा जब कोई शख्स किसी मुसलमान की तहकीर कर रहा होता है, हम किसी मजलिस में जुगत मार के किसी दूसरे को रुसवा कर रहे होते हैं, या किसी महज बहस मुबाहसे में उसको नीचा दिखाकर अपनी फतह का जश्न मना रहे होते हैं, तो दरअसल हम उस वक्त मुसलमान की तारीफ पर पूरा नहीं उतर रहे होते। हमने कभी सोचा नहीं हम किस तरह के मुआशरे में रहते हैं। फिर इसी से असरात होते हैं, जब ये हम काम कर रहे होते हैं, जब ये मुआशरा इस तरह का बन जाता है, लोग बेहिस होते चले जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब होती हैं, एक दिन में नहीं खराब होती। यही वो वाकया है जो अल्लाह करीम ने यहां बैकग्राउंड में इरशाद फरमाया है, मैं उसकी तरफ अर्ज करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप आपस में गुफ्तगू करते हैं, लंबी बातें गप करते हैं, जो भी करते हैं, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही कोई नहीं होता, जो भी करते हैं मजलिस के अंदर, किसी को किसी दूसरे को नीचा दिखाकर, किसी से आगे बढ़कर, किसी से अच्छी दलील देकर, उसकी तहकीर करके, उसको नीचा दिखाकर, हम तो अपनी फतह को साबित करते हैं, अपनी बर्तरी को साबित करते हैं, माहौल तो ये। इससे असरात क्या होते हैं, ये इंफिरादी तौर पर एक फर्द दूसरे के साथ कर रहा हो या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कर रहा हो, जब आप बहस मुबाहसे में एक दूसरे की तहकीर करके उसको नीचा दिखाने की बात कर रहे होते हैं, तो उससे नफ्सियाती तौर पर इंसान किस तरफ का सफर कर रहा होता है, वो अल्लाह करीम ने इस वाकये के अंदर सारी बात इरशाद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुकसिरुल कलाम बगैर जिक्रिल्लाह, जिस बात में अल्लाह का जिक्र ना हो उसको कभी ज्यादा ना करो। ऐसा ना हो कि आदत ही पड़ जाए, ऐसा ना हो कि लंबी गुफ्तगू हो और उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो।
ला तुकसिर उल कलाम बगैर जिक्र, ला अल्लाह के जिक्र के बगैर लंबी बातें लंबी बैठकें छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? उसके असरात होते हैं। असरात क्या होते हैं? फितरत बिगड़ती है। फरमाया इन्ना कसरत अल कलाम बगैर जिक्र ही कसवतुल लिल कल्ब। जब आप ये करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, दिल सख्त हो जाता है। जब दिल सख्त हो गया तो पीछे क्या रह गया? एक दिल ही तो था जिसने पूरे जिस्म का जाब्ता, जिसने पूरे जिस्म को दुरुस्त रखना था। आपने फरमाया अला इन्ना फिल जसदि मुज़गा, इस जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, वो अगर ठीक हो गया तो समझो सारा जिस्म ठीक चले। अगर वो गोश्त का लोथड़ा खराब हो गया, फसदल जसदु कुल्लुहू, सारे का सारा जिस्म खराब हो गया, सारा सिस्टम बिगड़ गया। अब एक फर्द बिगड़ता है, फिर दूसरा फर्द बिगड़ता है, पूरा मुआशरा बिगड़ता है। बिगाड़ कैसे आता है? किस तरह से हम एक दूसरे के खिलाफ तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे की इज्जत पर हमला करने के लिए, एक दूसरे का खून लेने के लिए, एक दूसरे का माल हथियाने के लिए हम तैयार कैसे हो जाते हैं? कोई सलीमुल फितरत शख्स मुसलमान होना तो दूर की बात है, अगर वो इंसान भी है तो इंसान भी किसी दूसरे इंसान की जान नहीं लेता। अगर उसको जान लेना, उसकी इज्जत पर हमलावर होना, ये तो हराम है। अल्लाह अकबर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दिल बिगड़ता है ना, दिल खराब होता है, इन कसरत अल कलाम बगैर जिक्र अल्लाह कसवतुल लिल कल्ब। ये जो दिल किसी का सख्त हो जाए, ये लानत की कैफियत होती है। इन अबअद अन्नासी मिनल्लाही अल कल्बुल कासी। जो लानती दिल होता है, जो सख्त दिल होता है, वो अल्लाह की रहमत से सबसे ज्यादा दूर होता है। और अल्लाह की रहमत से दूरी को लानत कहते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह माईदा के अंदर, यहीं इसी सूरह माईदा में, कि वबे नक़्दिहिम मीसाक़हुम, बनी इसराइल ने जो मुआहदा तोड़ा, अल्लाह का वादा तोड़ा, लअन्नाहुम, उनके वादे तोड़ने की वजह से हमने उनके ऊपर लानत कर दी। जब लानत हुई तो फिर क्या हुआ? वजअलना कुलूबहुम कासिया। लानत होने का, अल्लाह की लानत हो जाने का सबसे पहला असर यह होता है कि दिल सख्त हो जाए। दिल सख्त हो गया तो फिर इंसान इंसान के लिए है, इंसान नहीं रहा, फिर वो हैवान बन गया, फिर वो भाई नहीं रहा। लिहाजा किसी एक इंसान को कत्ल करना ही कोई आसान बात है? किसी का खून बहता नहीं हम देख सकते, किसी जानवर का खून बहता नहीं देख सकते, तो वो कैसा इंसान है जो अपने आप को मुसलमान कहता है और मस्जिद में जाके धमाका करके पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिला के रख देता है, वो मुसलमान है? वो तो इंसान भी नहीं है अपनी उस। अल्लाह फरमाते मिन अजल दालिक, इसी वजह से। वजह क्या हुई? बैकग्राउंड में क्या है? अल्लाह करीम ने एक वाकया बयान किया और वो वाकया है आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का। वतलु अलैहिम नबा बनी आदम, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके ऊपर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा बयान कर दीजिए। अब उस किस्से की बड़ी जिहात है, मैं सिर्फ उसके चंद निकात आपके सामने रखना चाहता हूं, सिर्फ अपनी तफहीम के लिए, और अल्लाह करे हम सबको समझ आ जाए और हमारा ये मुआशरा वाकईतन इस्लाम का, दीन का और तकवे वाला मुआशरा बन जाए। हम किस तरफ चल पड़े हैं? बंदा किसी बंदे को कत्ल करने पर कैसे तैयार हो जाता है? भाई भाई को मारने पर कैसे तैयार हो जाता है? मुसलमान किसी नमाज पढ़ते नमाजी को मारने पर कैसे तैयार हो जाता है? अगर वो मुसलमान है कभी तैयार नहीं होता, अगर वो इंसान भी है तो वो कभी तैयार नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन अरोज होती है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इंसानियत की सतह से गिरते हैं और गिरते गिरते वो हैवान बनते हैं। वो जो कहते हैं ना आंखों में खून उतर आता है, तो वो जो खून उतरता है तो वो असल में उस वक्त इंसान की अक्ल माउफ हो जाती है, इंसान इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाता है,
फिर वो इंसानों को मारे जो मर्जी करे, वो लिमिट क्रॉस हो गई जिसके बारे में शरीयत ने कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा लम तस्तहिये फसना माशेता, जब तू हया करना छोड़ दे तो फिर उसके बाद तो कोई चीज बाकी नहीं रही, फिर जो मर्जी करो। एक पर्दा ही तो था, वो हया की लिमिट थी, वो हमने क्रॉस कर ली। या इजाफा तकल हया फसना माशेता, जब हया फौत हो गई, वो जो तकाजे थे इंसानियत के, आप उससे आगे निकल गए, फिर उसके बाद कोई चीज नहीं रोकती। वैसे जुर्म को तो कोई चीज रोकती नहीं, जुर्म को कौन सी चीज रोकती? जुर्म को वक्ती तौर पर कानून रोकता है, डंडा रोकता है, कानून की का खौफ रोकता है, लेकिन यह वक्ती तौर पर रोकता है। आप कानून की अमलदारी यकीनी बना दें, जुर्म रुक जाता। ये कानून की अमल, रूल ऑफ लॉ, अगर अक्रॉस द बोर्ड सब पर कानून लागू हो, जो भी ममलकत का कानून है, अगर वो कानून सब पर लागू हो तो एक दफा जुर्म रुकता है। लेकिन हकीकत में जुर्म जो है वो, जो हकीकत में रुकता है, वो अल्लाह के खौफ से रुकता है। मुजरिम डंडे से भी बाज आ जाता है। वो जो 2006 की बात है गालिबन, मैं पहली दफा जब दुबई गया तो मैंने वहां पूछा कि यहां क्राइम रेट क्या है। लोगों ने कहा क्राइम रेट जीरो है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो दुबई जिसमें 70% बाशिंदे जो हैं वो बाहर के हैं, लोकल 30% तकरीबन, उस वक्त की बात है, अब मुझे नहीं पता, कोई चेंज हो गए हो स्टैटिस्टिक्स, और उन 70% बाहर के लोगों में से 90% बर्रे सगीर के लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश। 90% लोग उन 70% में से इन तीन ममालिक के हैं। जुर्म कोई नहीं, जीरो क्राइम रेट, जीरो। अच्छा मैं हैरान हो गया कि ये हमारे मुल्क के चोर यहां आके फरिश्ते कैसे बन गए। हमारे मुल्क में कहा जाता है सारे चोर हैं, हर एक को ट्रीट किया जाता है, हर गली जुर्म की गली है, हर बाजार जुर्म का बाजार है, हर जगह पे जुर्म हमें नजर आता है, हर शख्स हर जगह से हमें मुजरिम से डर लगता है हर जगह पे। तो ये यहां आके ये बर्रे सगीर के लोग फरिश्ते कैसे बन जाते हैं? रूल ऑफ लॉ। फिर उसका मुजाहरा अल्लाह ने मुझे वैसे ही दिखा दिया कि एक दिन मैं किसी मस्जिद शारजा किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, तो नमाज के बाद दिखने किसी ने, जैसे यहां मांगने के लिए कोई उठ के अपील कर देता है, वहां भी किसी मरीज ने अपील कर दी। उसको ये लगी हुई थी, नाली लगी हुई थी, बैग यूरिन का लगा हुआ था, उसने अपील कर दी मैं बीमार हूं और मुझे, और अपील करके बाहर जाके दरवाजे पे बैठ गया। मैं सुन्नतें वगैरह पढ़ के बाहर निकला हूं तो वो इमाम साहब वहां खड़े हुए और लोग उस मरीज के इर्द गिर्द खड़े हुए। पता चला कि वो मरीज नहीं है, वो जाली है। उसने वो जो पाइप लगाया हुआ है वो भी जाली है। उससे जब जरा इमाम साहब ने पूछगिछ की तो पता चला सारा कुछ ही जाली निकला। उन्होंने वैसे ही पूछा कि ये कहां से लगवाया है, कोई सवालात किए होंगे, वो बेचारा नहीं जवाब दे सका। था वो पाकिस्तानी। अच्छा मैं जब गया हूं तो वहां सारे लोग इर्द गिर्द खड़े हुए और आपस में बातें कर रहे हैं, तो मैं भी खड़ा हो गया देखने के लिए। तो मेरे साथ एक लड़का था जो उन लड़कों में से, जो मेरे मेजबानों में से, या मेरे साथ जो लड़के थे उनमें से एक लड़का था, उसको बड़ा जनाब वो परेशानी हो रही थी। मैंने कहा क्या मसला है? कहते इन्होंने पुलिस को फोन कर दिया है, ये जो इमाम साहब है ना, इन्होंने पुलिस को फोन कर दिया है, तो इनको कम अज कम पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए था। अच्छा परेशानी में इधर उधर करता रहा। खैर थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, पुलिस वाले आए, उन्होंने उसको कुछ नहीं, ना उसको मारा ना उसको उसने कुछ भी कहा, उससे कुछ पूछा, दो चार बातें उससे पूछी, दो चार सवाल उन्होंने इमाम साहब से किए, और उन्होंने उसको गाड़ी में बिठाया और ले गए। बस कोई डंडा थप्पड़ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, गाड़ी में बिठाया और ले गए। अब वो जो साथ मेरे लड़का था ना, जिसको बड़ी परेशानी हो रही थी कि फोन नहीं करना चाहिए था, वो बड़ा, मैं कहा आपको क्या मसला है? कहता नहीं कुछ नहीं जी, इसको अब सारी रात ये तफ्तीश करेंगे और सुबह इसको वापस जहाज पे बिठा देंगे पाकिस्तान के लिए, और इसके पासपोर्ट पे परमानेंट एग्जिट की मोहर लगा देंगे, आइंदा ये कभी भी UAE में दाखिल नहीं हो सकता।
तो मैंने उससे पूछा आपका क्या ख्याल है क्या करना चाहिए था, तो कहता है ऐसे कोई धप्पा मुक्की कर लेते और छोड़ देते उसको, दो चार थप्पड़ मार लेते, ऐसा कोई जुर्म तो उसने किया नहीं था, तो दो चार थप्पड़ मार लेते उसको छोड़ देते। तो मैंने कहा बस यही फर्क है, दो चार थप्पड़ मार के छोड़ देते, वो अगली मस्जिद में जाके फिर वही काम करता। अब उसको यही वजह है कि रूल ऑफ लॉ है तो जुर्म नहीं है। आप कानून की अमलदारी यकीनी बनाएं, मुजरिम रुक जाते हैं। जब इतनी सख्त सजा मिलेगी किसी भी जुर्म की तो मुजरिम जो है वो सारे जो मुजरिम दबक बैठ जाते। लेकिन असल चीज वो अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के खौफ के बगैर कोई चीज कोई शख्स जुर्म से नहीं रुकता। तो आदम के दो बेटों की कहानी अल्लाह करीम ने सुनाई, फरमाया कि इन्होंने क्या किया था कि एक दोनों ने कुर्बानी की, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, एक की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। उसको गुस्सा चढ़ गया, हसद भी होता है जो अल्लाह करीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तहासद, आपस में हसद ना किया करो, ये तुम्हारी फितरत को डैमेज करता है, ये तुम्हारी नफ्सियात के ऊपर हमलावर होता है, उसके बाद इंसान इंसान नहीं रहता। तो ये इब्तिदा जो हुई थी वो हसद से हुई थी, तेरी कुर्बानी कबूल हुई मेरी क्यों नहीं हुई, हसद दिल में पैदा हुआ तो ऐसी धमकी लगा दी कि तू मेरी बात मान ले, तो मेरी बात नहीं मानोगे मानोगे ना तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उस वक्त तक कभी किसी ने कत्ल नहीं किया था, रूए जमीन पर कभी किसी ने कत्ल नहीं किया था, लेकिन उसको इतना गुस्सा आया, वो अपनी हसद की आग में इस तरह आग बगोला हुआ कि उसने धमकी लगा दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि उसने कह दिया قال الاقتلك मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, लो अब तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, मेरा क्या कसूर है, तू अब अल्लाह ताला के साथ बात कर, तेरा को मामला है उसमें खराबी क्या है तू उसको देख, तू मुझे क्या कहते हो। अल्लाह अकबर, उसने कहा कि भी मसला ये है कि इन्नमा यतकब्बल अल्लाह मिनल मुत्तकीन। देखिए आपस में लड़ने की क्या बात है, मुझे कत्ल करने की क्या बात है, अल्लाह ने कबूल नहीं की, अल्लाह तकवे वालों से कबूल करता है। तू अपने दिल के रले और मिलावट पर निगाह डाल, तेरी फितरत बिगड़ी हुई है, तेरा अंदर बिगड़ा हुआ है, तेरा बातिन काला हुआ हुआ है, इसलिए तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इन्नमा यतकब्बल अल्लाह मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तकवे वालों से कबूल करता है। तो अपने दिल का तकवा इंश्योर कर, बिगड़ी हुई फितरत वाला आदमी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, उसको धमकियां लगा रहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। खैर आपस में बहस मुबहसा होता रहा, तो कुरान तो चंद निकात बयान करता है, कितनी देर आपस में लड़ते रहे झगड़ते रहे, तो बिल आखिर वो उसने छोटे ने समझ लिया कि ये ना तुला हुआ है मुझे कत्ल करने के लिए। जब छोटे ने ये समझ लिया कि ये मुझे कत्ल करने पर तुला हुआ है, तो पता क्या कहता है कि भाईजान अगर आपने मुझे कत्ल किया ना, मेरी तरफ दस्त दराजी की, तो मैंने आगे से कोई हाथ नहीं उठाना, इसलिए कि मैं अगर हाथ उठाऊंगा भी और हम में से एक कत्ल हो जाएगा तो गुनाह दोनों पर आएगा। अगर हम लड़े आपस में और दोनों में से एक कत्ल हो जाए तो दोनों गुनाहगार हैं, लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि गुनाह सारे का सारा तेरे ऊपर आए, मेरे ऊपर आए ही ना, मैं तो ये चाहता हूं, लिहाजा मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं हाथ उठाऊंगा, माना बेबास इतनी याद लियाक्तुलक, मैं तेरी तरफ हाथ नहीं उठाऊंगा, तुझे कत्ल करने की कोई कोशिश नहीं करूंगा, मैं तो अपने हाथ बांध के खड़ा हो जाऊंगा। क्यों, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैं क्यों करूं भाई, अल्लाह का खौफ, वगरना हक पे थे लड़ पड़ते, नहीं मैंने नहीं लड़ना। अब ये देखें, एक उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, वो हसद की आग में पहले ही जल रहा है, ऊपर से ये कहता है कि मैंने हाथ भी नहीं उठाना, उसको गुस्सा और चढ़ जा रहा है। बिगड़ी हुई फितरत हो, वगरना अगर फितरत ठीक होती, अगर दिल ठीक होता ना, पता क्या होना था, उसने कहना था कि कितना अच्छा भाई है, वो कहता है मैं तेरे आगे आगे से हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये सोचने का उस वक्त मौका नहीं मिलता,
اس وقت وہ بس سچویشن آگے سے آگے آگے سے آگے نفسیاتی طور پر. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بگڑی ہوئی فطرت وہ گل کھلاتی ہے. فطوعت له نفسه قتل اخي, اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ پتہ نہیں آپ کا کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, میں مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو کسی کا ہاتھ خون بہانا تو دور کی بات ہے. بچپن میں سنا تھا, ہم لڑ پڑتے تھے نا پرائمری اسکول میں, تو ایک ہمارا کلاس فیلو تھا وہ دانتوں سے کاٹ لیتا تھا جس سے لڑ رہا ہوتا تھا, تو اس کو کاٹتا تھا, یہ بڑا زبردست اور خطرناک ہتھیار تھا اس کے پاس, اس کو کاٹ لیتا. اچھا مجھے لگتا تھا یار بڑی بات ہے یہ, اس کے پاس یہ کتنا, یعنی کسی سے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا تھا, وہ ہمیشہ غالب آ جاتا تھا کہ لڑائی ہوئی تو بالآخر وہ اس کو کاٹ لیتا. تو میری ایک دفعہ کسی سے لڑائی ہوئی تو میں نے سوچا میں بھی کاٹ لیتا ہوں, اللہ اتنا خطرناک ہتھیار ہمارے پاس ہے تو کاٹ لیتا ہوں. یقین کریں مجھے آج بھی یاد ہے, میں خل تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے اس کو کاٹنا چاہا تو ایک خاص سطح تھے دانت نیچے ہی نہیں آئے, یعنی میں اس کے بازو پہ یوں کر کے ڈالا اور میں نے اس دانت ڈالے اور دانتوں کو دبانے کی کوشش کی لیکن میرے جسم میں وہ جان ہی نہیں تھی جو کسی کے جسم کو کاٹ سکتی. یعنی آپ اگر پتہ نہیں لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں, کسی کا خون کیسے بہا لیتے ہیں, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہی نہیں. یعنی کسی کو, یعنی بچپن کی بات ہے, میں آج تک یاد ہے کہ میں نے اس کو کاٹنا چاہا لیکن میں اس کو کاٹ نہیں سکا, دانت ڈالے بالآخر ویسے ہی نرم نرم دانت ہی واپس کرنے پڑے, میں اس کو کاٹ ہی نہیں سکا. کیوں دانت نیچے نہیں گئے؟ یہ اللہ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا. یہ اللہ تعالی نے اگر راہ راست پہ رکھنا ہے اللہ نے, اور اگر آپ واقعتاً کسی سطح پر ہیں تو یہ ممکن نہیں, آپ انسانی سطح پر بھی ہیں تو ممکن نہیں ہے کسی کا آپ خون بہا دیں. تو کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں, مسلمان ہیں وہ بیان جاری کرتے ہیں الحمدللہ ہم نے اتنے قتل کر دیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, الحمدللہ ہم نے دھماکہ کر دیا, اور کل کلا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پھر اس نے جب نفس نے طے کر لیا فطوعت لہ نفسہ قتل اخی, بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا, روئے زمین کا پہلا قتل ہونے جا رہا ہے, روئے زمین کا پہلا قتل ہونے جا رہا ہے, تیار کر لیا نفس نے, آنکھوں میں خون اتر آیا. پھر نہیں کوئی سمجھ آتی, پھر انسان جب اسلام کیا انسانی سطح سے بھی نیچے گرتا ہے, درندہ بنتا ہے, تو درندے کی فطرت کاٹ لینا ہے, پھر وہ انسانوں کو بھی کاٹتا ہے, پھر وہ جانوروں کو بھی کاٹتا ہے, پھر آپ جو مرضی کریں, پھر آپ لمٹس کراس کر دیتے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذلك, اس دن سے ہم نے یہ قانون بنا دیا کہ یہ تو بگڑے ہوئے معاشرے یہ تو ایک دوسرے کو قتل کریں گے, یہ بگڑے ہوئے معاشرے ان کی بگڑی ہوئی نفسیات یہ افراد افراد کو قتل کریں گے, اور یہ لوگوں کو, یہ تو درندے بن کے کسی کو چھوڑیں گے نہیں. ہم نے قانون بنا دیا کہ اگر ایک انسان کا بھی کسی نے قتل کیا تو ایسے ہے جیسے ساری انسانیت قتل ہو. یعنی آپ نے کسی انسان کا خون جائز قرار دیا نا جو مارا اس کو, کوئی حق نہیں تھا کہ آپ اس کو مارتے. جو سزا کے طور پر بھی اگر مقتول کو, مقتول کے ورثاء کو حق ہے کہ وہ قاتل کو قتل کریں, تو وہ حق ان کو خود کو نہیں ہے, یہ ریاست کے پاس حق ہے کہ وہ قتل کے بدلے میں قتل کرے, ریاست کرے. انڈیویجولی نہ کوئی فرد کر سکتا ہے نہ کوئی گروپ یہ سزا امپلیمنٹ کر سکتا ہے, یہ ریاست نے حق کرنی, علاوہ ازی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. لہذا جو میں آپ ہم سب دنیا میں ایسے مظاہر دیکھتے ہیں, چاہے وہ اسلام پہ نام پر ہوں, چاہے وہ انسانیت کے نام کے اوپر ہوں, چاہے وہ آزادی کے نام کے اوپر ہوں, چاہے وہ کسی نام پہ نام کے اوپر ہوں, وہ مغرب کرے یا مشرق کرے, اللہ کے قرآن نے ابتدائے آفرینش کا واقعہ لکھ کے پھر فرمایا. اب دیکھیں کہ سچویشن اراؤز ہوئی, درندہ بنا, بھائی کو قتل کیا, اس کے بعد ڈھونڈتا پھرے کہ اب میں اس کی لاش کا کروں کیا,
ढूंढता फिरे ढूंढता, थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है कि जब वो कव्वे को हमने भेज दिया कि एक कव्वा मरा हुआ था, तो कव्वे ने अपने भाई कव्वे को दफनाने के लिए जमीन खोदी और जमीन खोद के उसमें कव्वे को रख के उसके ऊपर मट्टी डाल दी। तो ये हैरान कि मैं तो इस कव्वे से भी क्या गुजरा हूं। अब ये कुछ देर गुजर गई थी ना, फरमाया फअसबह मिनन नादिमीन, फिर वो नदामत और पशेमानी पछतावा लग गया कि मैं गलत कर बैठा हूं। तो माहरीन नफ्सियात कहते हैं कि ये 12 से 15 मिनट की बात होती है सारी, बल्कि 10 से 12 मिनट की। आपको जब गुस्सा किसी के ऊपर आता है, आपके नफ्सियाती तौर पर आप जब सिचुएशन अराउज होती है, तो 10 से 12 मिनट सब्र करें, उसके बाद खुद ही सिचुएशन चेंज हो जाती है। 10 से 12 मिनट घर में किसी से झगड़ा हुआ है, किसी भाई का भाई से हुआ है, 10 12 मिनट के लिए मुअख्खर कर दें, फिर उसके बाद देखें। ये कत्ल करने के बाद बंदा सोचता है कि क्या हुआ, पहले कत्ल कर दिया, फतवअत लहु नफ्सुहु क़त्ल अखी, और फिर उसके बाद वो इस बात पर आया, तो अल्लाह ने ये कानून बनाया, कतबना अला बनी इसराइल, हमने ये कानून बना दिया, अन्नहु मन क़त्ल नफ्सन बगैर नफ्सन व फसाद फिल अर्द फकअन्नमा क़त्ल अन्नास जमीअ। अब कोई शख्स एक भी शख्स को कत्ल करेगा तो ऐसे है जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। क्यों? उसने सारी इंसानी मेयारात को अपने पांव के नीचे रौंद दिया। इसलिए समझ लीजिए, कुरान के नाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर कोई शख्स किसी भी तरह कोई ग्रुप बनाता है, किसी की इज्जत पर हमलावर होता है, या किसी की जान पर हमलावर होता है, या किसी के माल पर हमलावर होता है, हमारे दीन ने ये बात नहीं सिखाई। इनका तो इंसानियत के साथ ताल्लुक नहीं है, हम इनको इस्लाम के साथ जोड़ते हैं, हर लोग अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ने का दावा करते हैं। तो आज इस बात की जरूरत है कि मैं और आप, हम सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के साथ जुड़े रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया ना कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, और जब तक तुम उन दोनों चीज़ों से चिमटे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, इसका मतलब ये है कि अगर तुम उन दो चीज़ों से नहीं चिमटोगे तो फिर तुम गुमराह हो जाओगे, और जब गुमराह हो जाओगे तो फिर एक हदीस में फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे की गर्दनें मारते फिरो, कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे को कत्ल करते फिरो। लिहाजा एक ही तरीका है कि अपने सारे जो पिछले इख्तलाफात हैं, इख्तलाफ हो जाता है, इख्तलाफ होते रहते हैं, ना कोई मसल की इख्तलाफ, ना कोई नस्ली इख्तलाफ, हर तरह के इख्तलाफ छोड़ दें। हर मुसलमान मुसलमान का भाई है, हर इंसान की एक सेंटिटी है, हर इंसान का एक जान का तकद्दस है। जो जिम्मी इस्लामी रियासत के अंदर गैर मुस्लिम रहते हैं, उनकी जान माल के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी भी इंसान इस्लामी रियासत की है, और इस्लामी रियासत के बाशिंदों को भी उनके जान माल के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी अदा करनी है। तो हमें कोई किसी सतह पर भी ऐसा नहीं है, लिहाजा इसको समझना भी है, दूसरों को समझाना भी है। अल्लाह हमारे इस मुआशरे को फिर से अमन का गहवारा बना दे, और जो लोग इस मामले में अब तक काम आए हैं अल्लाह ताला उनकी शहादतें कबूल फरमाए, जो लोग जिनको भी नुकसान हुआ है जिस तरह का भी, अल्लाह ताला उनका नुकसान पूरा फरमाए, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत का अजर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।